नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे का विवादित बयान सामने आया है। प्रचार के दौरान खड़गे ने पीएम की तुलना रावण से कर दी। नरेंद्र मोदी हर चुनाव में दिख जाते हैं, ये खड़गे ने कहा। क्या रावण की तरह मोदी के 100 सिर हैं? बीजेपी ने खड़गे के बयान पर आपत्ति जताई है क्योंकि रावण से तुलना की गई है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान पर आपत्ति दर्ज करवाई है। चुनाव प्रचार जब चरम पर है और ऐसे में उन्होंने प्रधानमंत्री की तुलना रावण से करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी हर चुनाव में दिख जाते हैं, क्या रावण की तरह मोदी के 100 सिर हैं, ये खड़गे कह रहे हैं, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी आपत्ति जताई गई है। उस दिन पहले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर वो आए हैं और अब उनकी तरफ से ये बयान सामने आया है। और ऐसा देखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इस तरह के बयान अक्सर कांग्रेस पर भारी पड़ जाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसे बयानों को ही भुनाने की कोशिश करती है। अब इस बयान के मायने आने वाले समय में क्या निकाले जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जब वो देश के प्रधानमंत्री हैं तो क्या इस तरह का कंपैरिजन इतने वरिष्ठ नेता जो तमाम चीज़ों को समझते हैं उन्होंने किया, अब इस पर वो क्या आगे कांग्रेस पार्टी सफाई देती है, ये भी देखने वाली बात होगी। सफाई आती भी है या वो अपने बयान पर कायम रहते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। आप किसी को मत देखो, मोदी को देख कर वोट दो। अब भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कॉर्पोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है?